भारतीय मुद्रा यानी रुपए पर अभी महात्मा गांधी जी की तस्वीर है। जल्द ही कुछ नोटों पर नोबेल विजेता कवि रविंद्रनाथ टैगोर और देश के 11वें राष्ट्रपति मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की वाटरमार्क तस्वीर देखने को मिल सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्रीय वित्त मंत्रालय भारतीय रिजर्व बैंक कुछ नोटों की एक सीरीज पर कलाम और टैगोर के वाटरमार्क का इस्तेमाल करने पर विचार कर रहा है। अगर इन हस्तियों की तस्वीर नोटों पर छप जाती है तो ऐसा पहली बार होगा जब रिजर्व बैंक रुपए पर महात्मा गांधी के अलावा अन्य हस्तियों की फोटो छापेगा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई और सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने आईआईटी दिल्ली के एमेरिटस प्रोफेसर दिलीप टी साहनी को गांधी, टैगोर और कलाम के वाटरमार्क के नमूनों के दो अलग अलग सेट्स भेजे हैं। साहनी को दो सेट्स में से एक चुनने को उन्हें सरकार द्वारा अंतिम विचार के लिए पेश करने को कहा गया है। वाटरमार्क की जांच करने वाले प्रोफेसर साहनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंटेशन के विशेषज्ञ हैं और इसी साल उन्हें पद्मश्री सम्मान मिला। आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने साल 1969 में 100 रुपए के नोट पर पहली बार महात्मा गांधी की फोटो छापी थी। ये गांधी का जन्म शताब्दी वर्ष था और स्मरण के तौर पर बापू की तस्वीर नोट पर छापी गई थी। नोट पर तस्वीर के पीछे सेवाग्राम आश्रम का चिन्ह भी था। गांधी जी के मुस्कुराते चेहरे का फोटो पहली बार 1987 में आए नोटों पर छापा गया था। इस तस्वीर के साथ सबसे पहले 500 रुपए का नोट अक्टूबर 1987 में आया था। इसके बाद गांधी जी की यह तस्वीर अन्य नोटों पर भी यूज होने लगी।